वालों ये रागनी होगी अंजना पवन के किस्से से, और उस समय की बात की जब अंजना को दुहाग दे देता है वो राजा पवन। प्रेमी साथियों, अब तो वो अंजना दुहाग महल में बैठी हुई, किस तरह से आंखों में आंसू है और न्यू कहने लगी, रे बेरी तेरा तो मेरे पास में कोई फोटो भी नहीं जिससे अपना मन लगा लूं, मैं कैसे दिन और रातों को काटती हूं। किस तरह से समझाने लगी कि तू मुझे ब्याह करके लाया था, तेरे आधे अंग की शादी थी और तूने मेरे साथ में ऐसा बर्ताव किया, व्यवहार किया, ये अच्छा नहीं किया। इस तरह से क्या कवि महोदय ने लिखा, लेकर के भाई ज्ञानेंद्र सरधाना प्रहलादपुर फरीदाबाद। आधे अंग की साजी थी, क्यों कर दी आति न्यारी में, तेरा फोटो तक भी मिला नहीं जो धर लेती अलवारी में, आधे अंग की साजी थी क्यों कर दी आति न्यारी, जो किया हमारा त्यागण, सुहाग रात भी नहीं मनी वो कैसी वीर सुहागण, मेरे जैसी इस दुनिया में और नहीं निर्भागण, काया के मैं आग लगावे मस्त महीना फागण, जो बन की काली नागण, मद जो बन की काली नागण, क्यों कर दी बंद पिटारी में, तेरा फोटो तक भी मिला नहीं जो डर लेती अलवारी में, आधे अंग की साजी थी। भूप की रानी किस्मत के लिया पेश चली ना बनगी काग उड़ानी, जवान वीर की बिना पति कैसे कटे जवानी, डूब गई चौड़े में नैया आज मेरी बिन पानी, वही जिंदगी की हुई
कहानी जिंदगी की हुई खत्म कहानी कर्मों की हारी में तेरा फोटो तक भी मिला नहीं जो कर लेती अलमारी में आधे अंग की साजी थी नजर लखाई मेहंदी फिकी हुई धुई रो रो आंखों की शाई और ना डोली गई दरवाजे ना सासू तारण आई गई धाम भी पूजे नहीं ना काली पांव पड़ाई और कोप भवन में पहुंचाई कोप भवन में पहुंचाई मेरी बिजली सेज अटारी में तेरा फोटो तक भी मिला नहीं जो दर लेती अलमारी में आधे अंग की साजी थी पकड़ के छोड़ी अग्नि आगे वचन भरे वो भी प्रतिज्ञा तोड़ी इर जिंदगी में ना खाई खेली क्यों थी कली मरोड़ी मेरे दुख की गावे रागणी ज्ञानिंद्र अनुज की जोड़ी बलबीर सिंह उम्र थोड़ी बलबीर सिंह उम्र थोड़ी धर सुरती बनवारी में तेरा फोटो तक भी मिला नहीं जो धर लेती अलमारी में आधे अंग की साजी थी क्यों कर दिया तिन्यारी।